खबर पौड़ी से आ रही है, जहां हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के परिसर में छात्र संगठन ने छात्र कल्याण मुद्दों को लेकर धरना शुरू कर दिया है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में प्रवेश के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया था। छात्र इस बार CUET परीक्षा में मेरिट नहीं बना पाए, क्योंकि अलग अलग जिलों में छात्रों के दो अलग अलग पेपर रखे गए, जिसके चलते कई छात्र बंद सड़कों और मॉनसून सीजन में कम समय के कारण इस बार प्रवेश परीक्षा नहीं दे पाए। ऐसे में छात्र संगठन ने कॉलेज प्रशासन से छात्रों को ऑफलाइन मोड में भी UG में प्रवेश देने की मांग की है। कॉलेज में बस सेवा न होने और परिसर में प्रोफेशनल कोर्स उपलब्ध न होने के कारण छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही कॉलेज में BCOM होने के बावजूद छात्रों को MCOM नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते MCOM और प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश के लिए या तो श्रीनगर कैंपस या फिर अन्य कॉलेजों में जाना पड़ता है। जी, निष्कर्ष तो कुछ सामने निकल के नहीं आया। लगातार दिसंबर माह से हम लोग ज्ञापन पे ज्ञापन इनको दिए जा रहे हैं, पत्राचार केवल हम लोग यहाँ से करते हैं, विश्वविद्यालय के कान में जू नहीं रहते। डॉक्टर विजय प्रसर की इस प्रकार की स्थिति आज उत्पन्न हो गई है कि आज तीसरा दिन यहाँ पर छात्र आंदोलित होकर बैठे हैं, परंतु विश्वविद्यालय के कान में अभी तक जू तक नहीं रह गए। ना तो कोई वार्ता करने की कोशिश की गई और केवल झूठे आश्वासन यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जो कि देते आए हैं पहले से। 2013 से बस का झूठा आश्वासन दिया हुआ, आज 2024 हो जाने के बाद भी वो बस परिसर में नहीं पहुंची, जबकि श्रीनगर परिसर में चार चार पांच बसें संचालित है, जहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इजी है। यहाँ पे भौगोलिक परिस्थिति इस हिसाब से परिसर में आने तक बच्चे की स्थिति ऐसी हो जाती है कि बहुत पढ़ने लायक उसकी स्थिति रहती नहीं है, क्योंकि परिसर पहले ही काफी हाइट में है। परंतु विश्वविद्यालय छात्रों की अवहेलना, पौड़ी के छात्रों की अवहेलना बार बार करता है, जिसका हम यहाँ पुरजोर विरोध करते हैं। और हमारे जब से मैडम VC बनी है, तब से एक गुजारिश हमारी मैडम से रही है कि आप पौड़ी परिसर आए, अपने परिसर की स्थिति देखें, परंतु अभी तक भी इतना मतलब दुर्भाग्य हमारे परिसर का है कि मैडम अभी तक पौड़ी नहीं पहुंच पाई है। 28 किलोमीटर का रास्ता मैडम अभी तक इतने सालों में तय नहीं कर पाई है। ये एक दुर्भाग्य है हमारा कि मैडम केवल श्रीनगर में जो दोनों परिसर है उनको तवज्जो दी जाती है, पौड़ी और टिहरी के दोनों परिसरों के साथ भेदभाव वाला रवैया यहाँ पे अपनाया जाता है विश्वविद्यालय द्वारा। ये छात्रों ने 27 जुलाई को अपना एक मांग पत्र दिया था, 6 सूत्रीय मांगे उसमें थी, जिसमें से जो छठवीं मांग है वो CUET एडमिशन वाली, वो तो वैसे ही समाप्त हो गई, लेकिन बाकी मांगों को श्रीनगर मुख्यालय में माननीय कुलपति महोदय के को भेज दिया गया है। और श्रीनगर में अभी तो वहाँ की स्थिति भी मुख्यालय की, वहाँ भी छात्र आंदोलित हैं, तो इसलिए वहाँ से यह है कि जब वहाँ स्थिति सामान्य हो जाएगी तो तभी इस पर कुछ कार्रवाई हो पाएगी।